हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, कॉपी पेन वाला एक्सपेरिमेंट। जैसे आज आप सभी को अपने स्कूल डेज की या फिर कॉलेज में तो कॉलेज डेज की याद जरूर आएगी कि आज हम करेंगे भाई कॉपी और पेन से क्वेश्चन को हल। ये मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रही हूँ। इसमें डेली आपका कोई ना कभी रीजनिंग का, कभी मैथ्स का, कभी इंग्लिश का, तीनों के तीनों कंसेप्ट चला करेंगे रेगुलर बेसिस पे आपके। ये एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रही हूँ डेली सुबह 9 बजे। याद रखिएगा भाई, ये शुरुआत हो रही है आपकी डेली सुबह 9 बजे, आपकी ये क्लास चला करेगी आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो आप सभी लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए कमेंट करके बताइएगा कि हमें पसंद है, आप ऐसी वीडियोस और लेके आए। अगर आप बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लेके आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेली एक क्लास के अंदर एक कंसेप्ट सीखेंगे। वन क्लास वन कंसेप्ट का मोटिव है, डेली एक क्लास एक काल का असर, एक नया कंसेप्ट भाई जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। जैसे आज मैं आपके सामने डाइस का एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ भाई। ये वाला ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, आपके एग्जाम्स में आता है। आपको इस टाइप का डाइस दे रखा होगा, 3 4 5 6 कितने हो सकते हैं भाई, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है और पूछता है भाई यहाँ पे क्या आएगा। इन सवालों को क्या कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। देखिएगा, बहुत आसान होता है इन सवालों को करना, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो बच्चे को जो डाइस है उसको देखेंगे भाई, इन दोनों में कॉमन कितने, एक बी कॉमन है दोनों में, तो निकालते हैं भाई किसके विपरीत कौन है। तो देखो, शुरुआत करते हैं बी से, घड़ी की दिशा में चलेंगे, बी ए सी, फिर से बी ई डी, ठीक है भाई, बी ए सी सेम ऐसे ही बी ई डी घड़ी की दिशा में चलने में लिख लिया। यहां से पता चला क्या कि ए के विपरीत ई है, सी के विपरीत डी है, और बी के विपरीत क्या है, जो फिगर में नहीं है, जो फिगर में नहीं है, क्या नहीं है फिगर में, एफ नहीं है, एफ हो गया भाई। इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां से हमने एक चीज कंक्लूज निकाल लिया। अब यहां भला क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एफ दे रखा है और ई दे रखा है, मतलब ई और ए बगल बगल में नहीं होंगे, तो मतलब ए तो नहीं आएगा यहां पे, और ना ही एफ, एफ और यहां ना ही बी, ना तो ए आएगा ना ही बी, क्योंकि ए और ई विपरीत है और बी और एफ भी विपरीत है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं आएंगे इसके अगल बगल। बच्चा क्या, या तो सी आएगा या फिर डी आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो पहले मैंने रखे देखा भाई सी, पहले मैंने सी को रख लिया, ठीक है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे सी आ जाए, सी को रखा। अब क्रॉस चेक करेंगे इन दोनों में, देखते हैं ना, इन दोनों देखो भाई ई और इन दोनों देखो भाई क्या कॉमन है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, शुरुआत करी ई फिर डी और फिर बी, वही हम निकालेंगे विपरीत ही, केवल ई एफ सी, इसके अकॉर्डिंग बी के विपरीत सी आ रहा है, इस वाले के अकॉर्डिंग बी के विपरीत क्या आ रहा है, देखिएगा बी के विपरीत आपका सी आ रहा है, पर यहां तो क्या था बी और एफ विपरीत है भाई, ये गलत हो गया, ये तो हमें सही मान के चल रहे हैं ना भाई, ये गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग, ये गलत हो गया भाई, मतलब सी तो यहां नहीं आएगा। हमने रखा डी, अब इन नाम देखो कॉमन क्या है भाई, कॉमन क्या है आप देखोगे ई और डी, ई और डी कॉमन है, मतलब बी के विपरीत एफ आएगा, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग बी के विपरीत एफ आएगा, क्योंकि ई और डी तो कॉमन हो गए, जो बचे कुछ हैं वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे, तो क्या हो गया बी और एफ विपरीत हो गए, और सेम वही बी और एफ यहाँ पे भी विपरीत ही है, मतलब ये और ये कंडीशन मैच कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ डी आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई थिंक आपके लिए ये नया कंसेप्ट होगा, एक न्यू कंसेप्ट है, एक न्यू कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से हम रेगुलरली आपके लिए एक वीडियो लेके आया करेंगे, जिसमें एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगी मैं आपको कि किस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्लियर हो सभी को? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इतना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीज कैसी लगी। अगर पसंद आई होगी तो हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, अगर आपको लगे कि टाइम वेस्ट है तो ये भी बताइएगा भाई टाइम की बर्बादी है, इससे हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं वापस से अगले अपने वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।